विजय स्टूडियो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप सी शार्प के प्रोग्राम्स वहां पे रन कर सकते हो और उसको डीबग कर सकते हो, एरर्स को आसानी से चेक कर सकते हो। पर उसके लिए आपको ये भी सीखना पड़ेगा कि सॉफ्टवेयर कहां से मिलता है, कहां से इंस्टॉल करना है, कैसे इंस्टॉल करना है। फाइन, तो अभी हम शुरू करने जा रहे हैं इंस्टॉलिंग विजुअल स्टूडियो 2013। वैसे तो बहुत सारे वर्जन आए हैं, ऐसा कहे तो 2000 के साल से, जैसे कि विजुअल स्टूडियो 2000, फिर 2003, 2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2015, 2016, और वैसे ही हर साल एक नया वर्जन अपडेट आते ही जाती है। फाइन, आप कोई भी विजुअल स्टूडियो डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हो, पर ये सब इंस्टॉल कहाँ से होता है, डाउनलोड कहाँ से हो, तो उसके लिए आपको जाना है, मैं आपको दो साइट दिखाता हूँ जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर पाओगे। एक तो है dreamspark.com, जहाँ से आप माइक्रोसॉफ्ट का विजुअल स्टूडियो ही नहीं पर बहुत सारे उसके सॉफ्टवेयर्स आप इजीली और फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो, जो कि एक स्टूडेंट वर्जन्स की तरह के आते हैं। ये देखिए, डाउनलोड्स में आपको जाना है, सॉफ्टवेयर कैटलॉग में जाना है आपको, और सॉफ्टवेयर कैटलॉग में आपको हर तरीके के सर्विसेज, सॉफ्टवेयर टूल्स जो भी आपको चाहिए वो यहाँ पर अवेलेबल होंगे। ये देखिए, यहाँ पर अभी विजुअल स्टूडियो मिल रहा है 2015, जो कि लास्ट उन्होंने रखा है डाउनलोड फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे आपको कोई चार्जेस पे नहीं करने हैं, सभी कुछ चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल है ऑनलाइन। आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और आपके पीसी में इंस्टॉल भी कर सकते हो। हाँ, पर ये जो वर्जन होता है वो कम्युनिटी वर्जन होता है। हाँ, ये कह सकते हैं कि 99% चीज़ें आपके लिए एक्सेसिबल होंगी, शायद ही कोई 1% होगी जिसके लिए आपको लाइसेंस वर्जन चाहिए, पर जो हमें शीशा करना है वो उस पूरे वर्जन में, किसी भी कम्युनिटी वर्जन में आ जाएगा, किसी भी साल के एडिशन में विजुअल स्टूडियो के। फाइन, तो इस तरह से आप विजुअल स्टूडियो, ज़ेमेरिन और भी बहुत सारे सर्वर्स आप डाउनलोड कर सकते हो, सॉफ्टवेयर्स, ओएस आप डाउनलोड कर सकते हो। एक तो है dreamspark.com जहाँ से सब कुछ अवेलेबल है, और दूसरा है visualstudio.com जहाँ से स्पेशली विजुअल स्टूडियो के एडिशन ही डाउनलोड होते हैं। जो लेटेस्ट होगा वो आपको इजिली यहाँ पे अवेलेबल होगा, यहाँ से आप भी डाउनलोड कर सकते हो। फाइन, तो हमारे पास अभी विजुअल स्टूडियो 2013 प्रोफेशनल एडिशन में रेडी है, तो उसे इंस्टॉल, जैसे भी पैकेज जो इंस्टॉल हो जाता है, डाउनलोड हो जाता है, तो यहाँ पे याद रखना है कि विजुअल प्रोफेशनल या जो भी EXE एप्लीकेशन देते हैं वहाँ पे सिर्फ डबल क्लिक करना है और आपका विजुअल स्टूडियो इंस्टॉलेशन इस तरह से स्टार्ट होगा। आपको फिर कंटिन्यू में जाके सिलेक्ट करना है, आई एग्री पे टिक करना है और सिंपल नेक्स्ट 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 देख के इंस्टॉलेशन को शुरू कर देना है। सो फाइनली हमने विजुअल स्टूडियो 2013 इंस्टॉल कर लिया है। अब हम, ये एक होम स्क्रीन है, इसे हम ध्यान से देखेंगे और एक एक पोर्शन को समझेंगे। पहला है एक स्टार्ट पेज, जब भी आप विजुअल स्टूडियो ओपन करते हो तब आपके लिए स्क्रीन आती है। यहाँ से ऑलमोस्ट सभी के शॉर्टकट्स यहाँ दिए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर सकते हो, या ऑलरेडी प्रोजेक्ट किया हुआ है और उसे पाथ से फेच करा के ओपन करना है तो कर सकते हो, या तो फिर कहीं पे सोर्स कोई भी मीडियम से आप ओपन कर सकते हो। सेकेंडली, आप ये जो शॉर्टकट्स यहाँ दिए गए हैं, यहाँ पे जो क्लाउड के शॉर्टकट्स हैं और विंडोज़ ऑफिस के प्रोडक्ट्स के जो भी है, एक स्टार्ट पेज में सभी कुछ शॉर्टकट्स यहाँ पे दिए गए हैं। लेफ्ट हैंड पैनल पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक टूल बॉक्स है, मतलब जो ज़रूरतमंद चीज़ें होती हैं जो कि हमें पर्टिकुलर वेबसाइट या सॉफ्टवेयर बनाने के लिए ज़रूरत पड़ती है, मतलब चाहिए, वो सारे यहाँ पे टूल बॉक्स यहाँ पे दी गई है। फाइन, यह है सॉल्यूशन एक्सप्लोरर। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर मतलब अगर हम कोई प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट करते हैं तो उसकी एक फाइल या फोल्डर्स बनेंगे। फाइन, तो वो
किसी भी ड्राइव में कहीं पे भी बनेंगे, उसका शॉर्टकट्स का, उसका लुक, उसका व्यू, उसका नेम, वो सभी इस सॉल्यूशन एक्सपर्ट में दिखाया जाएगा। अभी हम आपके सामने चलो शुरू करते हैं कि फाइल में जाके न्यू पे सिलेक्ट कर रहे हैं बिकॉज हम ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो जस्ट सिलेक्ट न्यू। और न्यू के अंदर जाके देखिए यहाँ पे आपके लिए इतने सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला है प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट उसके लिए काम आता है जब आपको कोई डेस्कटॉप बेस्ड सॉफ्टवेयर बनाना हो, फाइन, मतलब कि कोई अलार्म सॉफ्टवेयर या कुछ भी तरीके का सॉफ्टवेयर जो डेस्कटॉप पे इंस्टॉल हो और फिर उस पर रन हो। तो ये देखिए यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सीशा वगैरह आपने पहले से सिलेक्ट किया होगा, तो सीशा यहाँ पे आएगा सिलेक्ट, यहाँ पे आपको सीशा सिलेक्ट कर लेना है। और जैसे आप सीशा सिलेक्ट करोगे तो सीशा से जितने भी एप्लीकेशंस बनती होंगी, जितने भी टाइप के, वो सारे यहाँ पे शो करेंगे, फाइन। अब हमें करना है सीशा का कंसोल प्रोग्रामिंग। कंसोल प्रोग्रामिंग मीन्स कमांड बेस्ड प्रोग्राम्स। तो उसके लिए यहाँ पे कंसोल एप्लीकेशन यहाँ पे दिया गया है। देखिए यहाँ पे सिंबल भी सीशा और यहाँ पे लिखा भी गया है कि आप अगर ये एप्लीकेशन बनाते हो तो उसके कोडिंग सीशा से करना है। ये उसका अगर हमने यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो उसका एक बाय डिफॉल्ट एक नेम दिया गया है, कंसोल एप्लीकेशन वन। और फिर आपको जस्ट यहाँ पे फ्रेमवर्क जो भी बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होगा .NET का, वो भी यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, जो लेटेस्ट फ्रेमवर्क है उसे कि आपको सिलेक्ट करना है। बाय डिफॉल्ट वो सिलेक्ट अपने आप हो ही जाएगा। फिर आपको ओके प्रेस करना है और तुरंत ही आप यहाँ पे सॉल्यूशन एक्सपर्ट में उसके व्यूज देख सकते हो, फाइन। ये था एक छोटा सा एग्जाम्पल जहाँ पे आप प्रोजेक्ट में जाके ये कंसोल एप्लीकेशंस कर सकते हो। और पहला ऑप्शन है विंडोज़ फॉर्म, जिसमें प्योर सॉफ्टवेयर बेस्ड काम होता है। मतलब अगर सॉफ्टवेयर बनाना है, जैसे मैंने बोला डेस्कटॉप एप्लीकेशन का, तो वो विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन से ही बनेगा, फाइन। उसके बारे में भी हम एक लुक देखेंगे, पर इसके अलावा कितने ऑप्शन वो भी देख लेते हैं। फाइल में, न्यू में जाके प्रोजेक्ट के अलावा वेबसाइट भी है। अब ये देखें यहाँ पे अगर आप वेबसाइट, आपको प्योर वेबसाइट बनानी है या तो विजुअल बेसिक में या तो सीशा में, तो जिस किसी भी लैंग्वेज आपको करना है तो आप उसे सिलेक्ट कर लीजिए। और ये देखिए यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। वेबसाइट एम्प्टीज वेबसाइट, मतलब उसके वेबसाइट के अंदर कुछ भी नहीं होगा, आपको सारे पेजेस खुद ब खुद बनाने हैं। दूसरा ऑप्शन है वेब फॉर्म साइट, मतलब कि उसमें कुछ पहले से फॉर्म माइक्रोसॉफ्ट ने आपके लिए दिए गए होंगे एज अ सैम्पल, तो आपको मालूम चले। उस तरीके से जितने सारी सर्विसेज आपके लिए है, ये सभी वेबसाइट के लिए है जो कि ब्राउज़र में रन होता है, फाइन। तो वेबसाइट में से सिर्फ वेबसाइट ही बनेगी, पर आपको जाना है न्यू प्रोजेक्ट में बिकॉज हमें कंसोल बेस्ड प्रोग्राम करना है, सी शार्प के प्रोग्राम्स करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे सी शार्प सिलेक्ट करना है, और अगर सॉफ्टवेयर बनाना है तो विंडोज फॉर्म में जाना है, पर हमें बनानी है कंसोल एप्लीकेशन सी शार्प पे, तो हम कंसोल एप्लीकेशन सिलेक्ट करेंगे। बाय डिफॉल्ट ये नाम रखते हैं कंसोल एप्लीकेशन वन, और ओके पे सिलेक्ट करो। खुद ब खुद अपने प्रोजेक्ट्स, फोल्डर्स, फाइल्स, वो सभी माइक्रोसॉफ्ट का ये .NET फ्रेमवर्क वाला विजुअल स्टूडियो सॉफ्टवेयर सभी कुछ आपके लिए बना के देगा। ये देख सकते हो कि सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में यहाँ पे आप राइट क्लिक करके आप प्रॉपर्टीज में जाके उसका पूरा सा पाथ देख सकते हो कि कहाँ पे ये फोल्डर्स क्रिएट हुए हैं और कहाँ पे ये program.cs फाइल स्टोर्ड है आपके PC के अंदर, फाइन। तो उस फोल्डर का व्यू पूरा यहाँ पे दिया गया है सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे। ये है टूल बॉक्स और ये है आपके लिए होम स्क्रीन program.cs वाली, जो यहाँ पे एग्जांपल्स की तरह पे यहाँ पे आपको प्रोग्रामिंग करना है, फाइन। जैसे कि हमने देखा है कि क्लास का जो प्रोग्राम सीशा का जो स्ट्रक्चर है, उसके अंदर क्लास होता है और क्लास के अंदर पब्लिक स्टडी वर्ड भी होता है। आपको सिर्फ इसके अंदर ये जो आपके लिए सामने स्क्रीन पे जो पेज है, आपको इसके अंदर सिर्फ अपने सीशा का प्रोग्रामिंग करना है और उसका आउटपुट देखना है। तो लेट्स सी, अगर चलो हमें प्रोग्रामिंग करना है सीशा में, तो आप जानते हो कि उसके लिए क्लास कौन से यूज़ होते हैं प्रिंट कराने के लिए। जैसे C++ में जैसे कोई मेथड्स होती है, क्लास होता है, उसी तरह इस सीशा के अंदर भी इनबिल्ट क्लास दिए गए हैं, उसके इनबिल्ट मेथड्स है जिसकी हेल्प से आपको प्रिंट या स्कैन वो सब करना है। तो अगर आपको प्रिंट करना है तो सभी सीशा के एक क्लास है, कॉमन क्लास नाम दिया है जिसका नाम है कंसोल। कंसोल करके आपको क्लास दिया गया है, उसके अंदर सारी मेथड्स है जो कि आपको रीड और प्रिंट, मतलब स्कैन और प्रिंट दोनों के लिए आपको हेल्प करेगी। लेट्स सी, अब यहाँ पे देखते हैं कंसोल। कंसोल आप प्रेस करोगे तो आपको सजेशंस में इंटेलिजेंस से आपको मालूम चलेगा कंसोल नाम का एक क्लास है। कंसोल डॉट, ये देखिए राइट लिखोगे तो राइट मतलब प्रिंट करना है। अब राइट के लिए आपके दो ऑप्शंस है, अगर सिंपल आप राइट करते हो तो वो क्या होगा, राइट लाइन होगा तो वो क्या होगा, वन बाय वन देखते हैं। पहले राइट सिलेक्ट करते हैं और उसके अंदर जो ब्रैकेट्स है उसमें आपको सिर्फ वैल्यू देनी है। लेट्स सी, हम यहाँ पे देते हैं हेलो लर्न वन। अब ये जो आउटपुट प्रिंट होगा उसे रन कैसे करेंगे, तो ये फ्रेमवर्क में बहुत आसान है। आपको सिर्फ जो ग्रीन बटन दिख रहा है उसके ऊपर से आपको क्लिक करना है। आपको कोई कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं है या सेपरेटली उसको जावा की तरह रन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली जस्ट यहाँ पे बटन पे क्लिक करना है, आउटपुट आके सामने होगा। पर ये आउटपुट देखने के लिए, अब देखिए मैं सपोज़ यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, अब ये देखिए आप बोलोगे आउटपुट नहीं है, पर ऐसा नहीं है, आउटपुट आके चला गया।
देखिए फाइन, तो अब ये क्यों हुआ, बिकॉज ऐसा सी सी प्लस में भी होता है कि आउटपुट आके चला जाता है और उसको होल्ड करने के लिए हम सी में गेट सी एच का फंक्शन यूज करते हैं एट द एंड, फाइन। अब उसी तरह यहाँ पे भी कुछ ऐसा एक फंक्शन होगा जो आपको ब्लैक स्क्रीन को होल्ड रखेगा तो आप आराम से अपना आउटपुट देख सको। तो उसके लिए यहाँ पे भी एक और फंक्शन है, कॉन्सोल क्लास के अंदर ही है, सो कॉन्सोल डॉट रीड की है। अब रीड और रीड लाइन स्कैन के लिए है, पर रीड की ब्लैक स्क्रीन को होल्ड करने के लिए है, तो ये याद रखना है। मतलब हर बार जब आप कॉन्सोल एप्लीकेशन का कोई प्रोग्राम करते हो तो एंड में ये कॉन्सोल डॉट रीड की लिखना ही लिखना है, तो ये आप आउटपुट देख सकोगे। अब यहाँ पे मैं वही प्रोग्राम को सिंपली रन करता हूँ, अब ये देखिए आउटपुट, अब आपके लिए ब्लैक स्क्रीन आपके सामने होल्ड हो चुके हैं और आप आराम से अपना आउटपुट देख सकते हो। तो ये था एक छोटा सा एग्जांपल, हेलो लर्न वन हेलो वर्ल्ड जो भी बोला हो। तो इस तरीके से आपको सिंपल, ये ऑलरेडी आपके लिए सब क्रिएट किया गया होगा, आपको सिर्फ वर्ड में जाके और इस क्लास के अंदर जाके आपको जैसा भी प्रोग्राम्स आपको बनाने हैं, जिस तरीके के प्रोग्राम्स आपको बनाना है आप बना सकते हो, फाइन। अब इसमें एक और देखते हैं कि अगर चलो हम हेलो राइट लिखते हैं और उसके अलावा लिखते हैं हेलो कुछ और लिखते हैं, पर उसके लिए हम एग्जांपल लिखते हैं हेलो नहीं पर राइट लाइन की मेथड का, जैसे हमने राइट यूज़ किया है हम राइट लाइन यूज़ करेंगे, तो उस दोनों के बीच में फ़र्क क्या है। अब यहाँ पे हम टाइप करते हैं लेट से फॉर एग्जांपल हेलो लर्न वन, तो यहाँ पे लर्न वन यहाँ से हटा के यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ओके। और एक और बार लिखते हैं कॉन्सोल डॉट राइट, सिंपली राइट लिखते हैं, ओके। मैंने लिखा हेलो लर्न वन हाउ आर यू, अब इसको अपने रन करके देखते हैं। ये देखिए पहले जो मैंने देखा राइट तो सिंपली राइट हुआ, फिर मैंने लर्न वन का प्रिंट कराया वो भी लर्न वन प्रिंट हुआ, विथ स्पेस यहाँ पे स्पेस दिया तो उस स्पेस के साथ प्रिंट हुआ है, और तीसरी बार हमने राइट किया तो वो नेक्स्ट लाइन में हुआ। अब नेक्स्ट लाइन में क्यों हुआ, पहले जो था वो सिंपल राइट था तो वो राइट करके ये जो कर्सर होता है जो यहाँ पे फ्लकर होता है वो वहीं पे रहता है, और जब हमने राइट लाइन किया तो उसके पहले कर्सर क्या था, हेलो के बाद था, इसलिए लर्न वन उसने उसी लाइन पे प्रिंट किया। पर ये लाइन राइट लाइन क्या करता है, राइट मतलब प्रिंट करने के बाद नेक्स्ट लाइन में चला जाता है, इसलिए नाम दिया गया है राइट लाइन। तो जैसे उसने लर्न वन प्रिंट किया कर्सर वहाँ पे नहीं, पर तुरंत ही नेक्स्ट लाइन में चला गया। इसका मतलब ये था कि जब हाउ आर यू प्रिंट करने का टाइम आया तब कर्सर यहाँ पे था, इसलिए उसने सेकंड लाइन में प्रिंट किया। तो ये एक डिफरेंस है राइट और राइट लाइन का। अगर आप चाहते हो कि आपका आउटपुट प्रिंट होकर तुरंत ही नेक्स्ट लाइन में आपके लिए कर्सर आ जाए तो आपको राइट लाइन यूज़ करना है, और आपको सिर्फ उसी लाइन पर कर्सर रखना है तो सिर्फ आपको राइट यूज़ करना है। दोनों का फंक्शनलिटी एक ही है कि प्रिंट तो होगा ही होगा, पर प्रिंट होने के बाद क्या करना है, सेम लाइन में रहना है तो सिंपल राइट, और दूसरी लाइन में जाना है तो राइट लाइन, ठीक है। तो ये था एक यूसेज राइट और। अब हम देखते हैं रीड का। अब इसके अलावा हम देखते हैं, चलो यहाँ पे स्कैन के बारे में बात करें, तो अब यहाँ लिखते हैं एंटर वैल्यू ऑफ, एंटर वैल्यू सिंपल हमने एक वैल्यू एंटर करा था, तो ये तो राइट से आप जानते हो कि प्रिंट होगा सिर्फ, पर मुझे तो वैल्यू आपको स्कैन करानी है, तो कंसोल डॉट राइट लाइन डॉट, क्लास तो वही है पर सिर्फ फंक्शन चेंज हो जाएगा। अब रीड लाइन मतलब स्ट्रिंग, और रीड सिंपल कोई भी नंबर्स आएगा। अब रीड कर लिया, पर रीड करके देना किसको है, रीड तो होगा पर सामने एक वेरिएबल भी चाहिए, तो उसके लिए टाइप लेते हैं इंटीजर सेट इज इक्वल टू, अब ये जो वैल्यू आएगी वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में ही आएगी, रीड या रीड लाइन जो भी करो, उसका मेथड ये है कि रीड करने के बाद नेक्स्ट में चला जाएगा, रीड लाइन जैसे राइट लाइन का था वही, वो सिर्फ वो राइट करता है यहाँ पे रीड करेगा, पर जो वैल्यू आएगी वो स्ट्रिंग पे होगी, और ये जो मैंने वेरिएबल लिया है वो तो इंटीजर है तो मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी एक इनबिल्ट क्लास है आपके लिए जो है कन्वर्ट, यहाँ पे लिखा कन्वर्ट डॉट, डॉट करोगे आपके लिए इतने सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे जहाँ से आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, किसी भी टाइप में चेंज करा सकते हो। तो अब लेते हैं इंटीजर 32, बिकॉज मुझे इंटीजर में कन्वर्ट कराना है, जो आउटपुट आएगा वो स्ट्रिंग में होगा पर अब वो कन्वर्ट होगा इंटीजर में, और इंटीजर वाले वेरिएबल जेड में चला जाएगा, और फिर उसको प्रिंट करा देते हैं। प्रिंट करने के लिए अगेन कॉन्सोल लिखेंगे, कॉन्सोल डॉट राइट या तो राइट लाइन जो भी आपको करना है, और यहाँ पे सिंपल आपको जेड नाम दे देना है वेरिएबल, ओके। अब यहाँ पे डायरेक्टली मैं क्लास का नाम लिखता हूँ, जहाँ मैं कह सकता सिस्टम डॉट आउट, आउट एक क्लास था और सिस्टम एक नेम स्पेस है जहाँ से सभी क्लास एक्सेस होते हैं, जहाँ पे सभी क्लास का स्टोरेज होता है एक ही जगह पे। सेम यहाँ पे वही फीचर है, आप यहाँ पे भी सिस्टम डॉट कॉन्सोल करके लिख सकते हो, पर ऑलरेडी हमने यूजिंग सिस्टम लिख दिया है, मतलब हर बार सिस्टम को लिखना ज़रूरी नहीं है, फाइन। अब इसको रन करके देखते हैं आउटपुट, ये देखिए हेलो लर्न वन तो प्रिंट हुआ ही है। अब एंटर वैल्यू, अब ये रीड मतलब ये
वेट कर रहा है मेरे इनपुट डालने का। जैसे मैं कोई वैल्यू एंटर करूंगा, वो रीड होके इंटीजर में कन्वर्ट होके जेड में चल जाएगी और वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब मैंने राइट यूज़ किया है, मतलब ऑफ कोर्स कर्सर उसी लाइन में है, मतलब वैल्यू प्रिंट भी उसी लाइन पे होगी। फाइव, चलो मैंने स्कैन किया, जैसे नेक्स्ट में चला गया फाइव और फाइव थ्री, फाइव थ्री। अब मैंने डाला है फाइव और आउटपुट आया फाइव थ्री, मतलब कि कुछ इनपुट में कुछ उसने फेच करने में प्रॉब्लम किया है। अब रीड वाली जो वैल्यू होगी वो कई बार इस तरह से इंटीजर कन्वर्ट नहीं कर पाए, तो इससे बेटर है कि आप लाइन यूज़ कीजिए। रीड तो स्कैन करेगा ही करेगा, पर एक्स्ट्रा अगर नम लॉक की कुछ भी ऐसा इश्यू होता है तो एक्स्ट्रा वेरिएबल्स वैल्यूज़ भी फेच कर लेता है। तो रीड लाइन से आपको पूरा का पूरा वही स्ट्रिंग फॉरवर्ड मिलेगा। अब ये देखिए, मैं फिर से आउटपुट रन करता हूँ, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड तो प्रिंट हुआ सिंपल, एंटर वैल्यू फाइव। अब कर्सर देखिए वहीं पे है, पर जैसे मैं एंटर करूँगा तो वो वैल्यूज़ कंसोल डॉट रीड लाइन की मेथड से चला जाएगा जेड में इंटीजर में कन्वर्ट होके, और यहाँ पे आपको सिर्फ प्रिंट करा देगा। तो जैसे मैं एंटर देता हूँ, ले लीजिए एंटर, देखिए जो मैंने एंटर किया वही वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो गई फाइव, मैंने फाइव डाला तो फाइव प्रिंट हो गया। तो ये था एक छोटा सा एग्जाम्पल स्कैन कराने का और प्रिंट कराने का। तो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरह कंसोल एप्लीकेशंस सी शार्प में क्रिएट की जाती है, कहाँ पे टाइप होता है कोड, कहाँ पे रन होता है, कैसे रन होता है, और किस तरह से आउटपुट को आपको लाना है। फाइन, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे सी शार्प स्ट्रक्चर, जिसमें आपको पूरा सी शार्प का स्ट्रक्चर समझा जाएगा स्टेप बाय स्टेप। थैंक यू वेरी मच।